हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल टेक सेटिया। आज हम रिसर्च हेल्प के अंदर जानेंगे हमको जो प्लेगरिज्म चेक करना रहता है, तो हम लोग प्लेगरिज्म कितने टाइप से हम चेक कर सकते हैं या कौन कौन से वेबसाइट्स हम लोग चेक कर सकते हैं। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पेड वेबसाइट्स है और कुछ हमारे पास अनपेड वेबसाइट्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो पेड वेबसाइट्स है, जैसे कि हम लोग टर्नटिन्स बोलते हैं, आप लोगों ने पैसे के नाम से सुना होगा। ये टर्नटिन बहुत सारे जर्नल पेपर्स, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स या बहुत सारी बुक्स वगैरह, जितने भी बड़े बड़े जो टेक्निकल या नॉन टेक जो कंटेंट लिखते हैं, वो लोग इसको बेसिकली, जर्नल्स वगैरह इसको बेसिकली हमेशा यूज करते हैं। ये परचेस सॉफ्टवेयर रहता है, यूनिवर्सिटीज वगैरह इसको बेसिकली इसको नॉर्मली ज्यादा प्रेफर करती है इसके अंदर। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग आगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग उर्कुन के अंदर। उर्कुन सॉफ्टवेयर भी आपने सुना होगा। एज ए गाइड अगर मैं बात करूं एज ए टर्नटिन के अंदर, तो टर्नटिन इसके अंदर हमारे पास जो 15% के आसपास हमको इसमें कोई भी जनरल आपको अलाउ करता है एज अ प्लेगरिज्म, अगर आपका उसमें आता है किस कंटेंट के अंदर। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका जो डाटा है वो लीक होने की संभावना 99% कम हो जाती है, क्योंकि ये परचेज सॉफ्टवेयर है। देन उर्कुन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है। तो बेसिकली अगर यूजीसी नॉर्म्स की बात की जाएगी, तो यूजीसी के अंदर भी हमको उर्कुन सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। ये दो बेसिकली सॉफ्टवेयर थे जो हायर ऑथोरिटीज जो होती है वो बेसिकली इसको यूज करती है। इसके बाद मैं कुछ ऐसे टॉप फ्री सॉफ्टवेयर जरूर आपको बताऊंगा और उनकी वेबसाइट्स को भी बताऊंगा कैसे वो उसको वहां पर जाके यूज कर सकते हैं। पहला हमारा है डुप्ली चेकर, तो फ्री ऑफ चार्ज है हमारा ये डुप्ली चेकर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा डुप्ली चेकर। ये फ्री ऑफ चार्ज रहता है, इजी टू यूज है, टू वे टू चेक फॉर प्लेगरिज्म, दो तरीके से आप इसमें प्लेगरिज्म वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें नो पेड वर्जन इज अवेलेबल, इसमें कोई पेड वर्जन वगैरह इसका अवेलेबल नहीं है। देन कॉफी लिक्स करके भी एक हमारा प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है जो भी फ्री अवेलेबल होता है, ये भी फ्री अवेलेबल है। इसमें हम पहले 10 पेज में फ्री ऑफ चार्ज इसमें प्लेगरिज्म इसका चेक कर सकते हैं। ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, बिजनेस प्लेटफॉर्म वगैरह में बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं। देन पेपर रेटर, इस सॉफ्टवेयर में भी आप देखेंगे ये पेपर रेटर जो है, ये प्रूफ रीडर, ग्रामर चेक, वोकैबुलरी बिल्डर, प्लेगरिज्म चेक, ये सब चीज़ एक साथ कर सकता है। ये जो है नो अवेबिलिटी टू सेव रिपोर्ट, इसके अंदर क्या आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं इसको कहीं आप इसमें सेव नहीं कर सकते, बस आपको डाटा दे देगा लिख के कि आपकी आपकी जो लिमिट आई है वो इस रेंज में आपकी लिमिट आई है। देन अगर इसके हम प्रीमियम की बात करें, तो ये $7.95 पर मंथ इसका प्रीमियम रहता है और $95 पर ईयर इसका इसका पेड वर्जन रहता है। फिर नेक्स्ट है प्लेगरिज्मा, ये जो सॉफ्टवेयर है 190 लैंग्वेज में सपोर्टेड है और ये डॉक्स फाइल, एक्सेल फाइल, ये सबको ये चेक कर सकता है। इसकी जो प्लान्स है वो अवेलेबल है हमारे, ये आप चाहे तो इसमें इसे सिंगल पेज अगर आपको चेक करना हो डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, तो सिंगल पेज पे आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। देन प्लेगरिज्म चेकर, ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इको फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है और डिटेल सॉफ्टवेयर इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ साथ में इसके अंदर ये फ्री ऑफ चार्ज है, ये टू ब्राउजर को सपोर्ट करता है। इसके बाद है प्लेगिज्म, ठीक है, प्लेगियम एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये 5000 कैरेक्टर तक आपको एट ए टाइम आप इसमें फ्री ऑफ इसमें कर सकते हैं चेक। अगर आपको अपर पेजेस में, अपर वर्ड्स में जाना है, तो इसके सॉफ्टवेयर आपको इसको परचेस करना पड़ेगा। देन प्लेग स्कैन, प्लेग स्कैन भी बहुत से जनरल इसको यूज करते हैं उनका प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली फ्री भी अवेलेबल होता है और पेड भी अवेलेबल होता है। फ्री में आपके डाटा थोड़ा कम सर्च कर सकते हैं और पेड वाले में आप इसको डाटा अपना अच्छा खासा सर्च कर सकते हैं। देन इसके बाद प्लेग ट्रैकर, आपने इसके बारे में सुना होगा, प्लेग ट्रैकर ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री ऑफ चार्ज होता है, वही नंबर ऑफ पैचेस कुछ कम रहते हैं, इसमें कुछ ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसकी जो प्रीमियम बनती है पर मंथ $7.50 के आसपास बनती है। इसके बाद क्यूब टेस्ट भी अच्छा है, फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, आप इसमें बस सिंपल सा इसमें ईमेल आईडी अपना रजिस्टर कीजिए और जो डाटा को सर्च करना है इसमें जाके प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। पर ये ऑथेंटिक नहीं है,
मैं ये बोलूंगा जितने परचेस रहते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक रहते हैं, फ्री वाले ज्यादा ऑथेंटिक नहीं रहते। अगर आप बार बार सर्च करेंगे इनको डाटा इनमें अपना, तो बहुत सी बार ऐसा होता है आपका प्लेजम कोई बड़ा भी रहता है तो, और हो सकता है कि आपका डाटा कहीं ना कहीं जाके ये हैकर्स के थ्रू कहीं ना कहीं ये डाटा आपको यूटिलाइज भी कर ले। तो मैं हमें सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी राइटअप लिख रहे हैं उसके बाद अच्छे से लिख ले और सिर्फ सिंपल एक बार उसको चेक कर ले। अगर आपने खुद उसको लिखा होगा तो 99.9% उसका जो प्लेजम वो 10-10% के आसपास आएगा। अगर आप खुद लिख लें तो आपको नो डाउट आपको उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट वन इज प्लेगरिज्म हंट, ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, 5 डिफरेंट प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर सिस्टम विथ वन क्लिक इसमें आपको मिल सकते हैं। और यू मे स्कैन टेक्स्ट विथ 5 डिफरेंट प्लेगरिज्म चेकर और वन वेबसाइट। ठीक है, ये जो मेरे कंप्लीट लिस्ट है इसकी जो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि इस तरह की रिसर्चर्स की हेल्प आपको फ्यूचर में, मैं आपको जितना भी रिसर्च रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, पीएचडी में एंट्रेंस कैसे ले सकते हैं हम लोग, एमटेक में एंट्रेंस कैसे ले सकते हैं, ये सब वीडियो में आगे वीडियोस में बनाऊंगा। तो मेरे चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। थैंक यू।